दिस इज़ पुरु जनोत्रिया। आज हम नई कहानी आपके लिए लेके आए हैं। कहानी का शीर्षक है द हंटर एंड द पिजन्स, ठीक है, शिकारी और कबूतर। अपन कहानी के माध्यम से एक एक वर्ड का मीन समझेंगे, जैसे कि आपको इंग्लिश में सुधार हो और कहानी के साथ एंजॉय करेंगे। ओके, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वन डे, एक दिन एक हंटर, एक शिकारी सेट से नेट, उसने नेट बिछाया। सेट्स मतलब तैयार किया, लगाया, बिछाया। नेट, नेट मतलब जो पक्षियों को पकड़ने के लिए यूज़ में लेते हैं, या मछलियों को, जो भी एक्सपर्ट है। टू कैच बर्ड, पक्षियों को पकड़ने के लिए, कैच मतलब पकड़ना, वर्ड्स मतलब पक्षी। एंड प्लेस्ड ग्रेन्स, और उसने क्या है, कुछ गेहूं के मतलब या जो भी है अनाज के दाने भी डाले, ठीक है, जिससे कि कबूतर्स वगैरह या पर जो भी पक्षी हों या वहाँ पर आ जाएँ। एंड राइस, और उसने कुछ चावल भी डाले ओवर द नेट, नेट के ऊपर, जैसे कि कुछ पक्षी कबूतर वगैरह उसके ऊपर आएँ और उसमें फंस जाएँ। After some time, कुछ देर के बाद, a flock of pigeon comes, मतलब एक जो कबूतर हैं उनका एक सेट आया। सेट का मतलब बहुत सारे कबूतर, एक गुच्छा, गुच्छे में, ठीक है, अपने ग्रुप में आए वो, ठीक है। comes, a flock of pigeons, ठीक है, ग्रुप आया, comes by and start eating grains, और उन्होंने क्या है, जो अनाज है वो खाना शुरू किया। and get caught in the net, और वो जो है वो नेट में पकड़ गए, इनमें फंस गए, क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने बस अनाज खाने पर ध्यान दिया और वो उसमें फंस गए। After some time they started losing hope. After मतलब कुछ देर बाद, some time, ठीक है, some time, कुछ time, some मतलब कुछ, time मतलब समय, after मतलब बाद, they, वे, started मतलब शुरू किया, losing hope, अपनी आशा छोड़ना, कि यार अब ऐसे यहाँ से कैसे निकला जाए, अब नहीं निकला जाएगा। Then उसके बाद, their, उनका leader मतलब उनका जो नेता था, asks them उनसे कहता है, to fly together, कि एक साथ उड़ो, ठीक है, वरना यहीं फंसे रह जाएंगे, तो एक साथ उड़ो, एक एक करके नहीं उड़ा जाएगा। फ्लाइट टुगेदर इन द स्काई, आसमान में एक साथ उड़ो। दे डिड एज दे वर टोल्ड, ठीक है, उन्होंने वैसा ही किया जैसे उनके लीडर ने कहा। एंड कैरीड द नेट अवे, और वो जो है कैरीड मतलब ले गए नेट अवे, नेट को भी दूर ले गए वो, ठीक है, नेट को अपने साथ उड़ाकर ले गए। द हंटर रन्स, हंटर दौड़ कर आया। आफ्टर देम, द हंटर मतलब शिकारी, रन्स दौड़ा, आफ्टर बाद में, देम बट दे फ्लू अवे, लेकिन जब तक वे जो है वो उड़कर बहुत दूर जा चुके थे, बहुत ऊपर जा चुके, ठीक है। टू देयर फ्रेंड्स माउस होल, वो अपने फ्रेंड माउस के बिल के पास गए, ठीक है, होल बिल के पास गए। देन तब माउस कट्स, माउस ने काटा नेट को, द नेट, माउस कट्स द नेट एंड फ्रीड द पिजन्स, और जो कबूतर जो है वो फ्री हो गए। तो कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, संगठन में शक्ति है, हमेशा साथ रहो, अकेले अकेले नहीं, ठीक है। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आई होप आप सारे वर्ड्स के मीन समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ आए तो हमें ज़रूर बताएं, हम आगे से कोशिश करेंगे और अच्छे से कर सकें। ओके, थैंक यू।